ओडिशा के बालासोर में देर रात मालगाड़ी की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद दुर्घटना स्थल पर मौजूद रहे। रेलवे और राहत कर्मियों की मेहनत की वजह से सिर्फ 51 घंटे में यहां का मलबा साफ कर पहली ट्रेन चलाई गई। रेल मंत्री ने देर रात तक पटरियों के रेस्टोरेशन का जायजा लिया और रेलवे अधिकारियों के साथ मौके पर ही समीक्षा बैठक की। रेल मंत्री ने बताया कि दोनों पटरियों को रीस्टोर कर दिया गया है। उनके मुताबिक जल्द ही इस रूट पर फिर से पहले की तरह ट्रेनें चलने लगेंगी। अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है। जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। शुक्रवार को शाम 7 बजे के करीब यहां पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक माल गाड़ी आपस में भिड़ गई थी। तब से लेकर अब तक यहां पर युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 घंटे में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी।